गाइस ये देख सकते हैं आप लोग आगे जो यही खा रहे हैं दीदी का। देख सकते इधर से गोरा हमारा मेरा ये आराम है मेरा बहुत आराम ही है यहाँ पे। हेलो गाइस गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे हो गए, हम भी अच्छे हैं और स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल निशा महतो ऑफिशियल ब्लॉग पर। तो गाइस अभी हम जाने वाले हैं आज मेरे दीदी का घर, वो थोड़ा जंगल साइड पड़ता है, तो आप लोग मेरे ब्लॉग पे बने रहिए लास्ट तक और ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। तो चलिए अभी चलते हैं, मम्मी वहाँ पर गई हुई है रोपा रोपने के लिए दीदी घर, तो दीदी को लेने के लिए जाना है, मतलब मम्मी को लेने के लिए जाना है दीदी घर। तो चलिए आप लोग बने रहिए, हम अभी निकलते हैं फिलहाल, हम और मेरा दोस्त एक सुनील, देखिए ये आया है, साथ में चलेंगे, अकेले उतना दूर हमको अच्छा नहीं लगता बोल के। करीब 15-20 किलोमीटर के दूर है और जंगल वाला इलाका है, तो आने समय अंधेरा भी हो सकता है, इसलिए जल्दी जा रहे हैं और जल्दी आएंगे। चलिए बने रहिए आप लोग, चलते हैं आगे। गाइस तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गंगाघाट का मेन वाला घाटी, यहाँ पे जो गाड़ी खड़ा है यहाँ से ही स्टार्ट होता है गंगाघाट का मेन घाटी। तो देखिए आप लोग यहाँ का नज़ारा बहुत ही मन है, यहाँ पे भी लोग काफ़ी आते हैं फैमिली वाले घूमने के लिए, तो आप लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं और अगर राइडर हो आप तो राइडिंग के लिए भी आ सकते हो। रास्ता बहुत ही अच्छा है राइडिंग के लिए, पूरा खाली रहता है और रोड पूरा नंबर वन है, देखी सकते हो गाइस क्या ही नज़ारा है यहाँ। गाइस तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गंगाघाट स्टेशन और यहाँ पे फाटक बंद है, आप लोग देख सकते हैं स्टेशन है आगे पे, दिखेगा नहीं तो यही, यहाँ पे दो ट्रैक है किधर से आता है जो ई डाउन वाला है ना, अगर रांची से आप आएंगे सिलीमुरी साइड जाएंगे तो इधर से आके इधर जाना होगा, और सिलीमुरी साइड से आते हैं तो उधर से इधर रांची, अरे दो गो है छोटा मन खींचवा था ठीक है, ब्लॉग वीडियो बना दिला क्यों ना आवाग यूट्यूब में। देखिए एक ट्रेन अभी आ रहा है, इसी की वजह से फाटक बंद है। आसनसोल है अंदाजे कुछ भी बोल दे रहा, तो ये देखिए लछीपुर ट्रेन, समस्तीपुर जाने वाला ट्रेन है गाइस, ये हम लोग देख सकते हैं इंडियन रेलवे काटा नगर यहाँ दिख रहा है नाम, तुम ही ना सर तो समस्तीपुर तो क्या क्या पुर बोल रहा है आराम। यहाँ देख सकते हैं छोटू वेट कर रहा है कब फाटक खुलेगा तो हम लोग जाएंगे, और ऊपर से पूरा डाउन मार के है घाटी में, स्टार्ट भी नहीं किया था गाड़ी, पूरा अपना पेट्रोल बचा रहा। तो फाइनली फाटक उठ गया है, आप लोग देख सकते हैं उठ रहा, और हम लोग फाटक खुला या नहीं खुला हम लोग निकल लिए भाई जल्दी से, तो चलिए गाइस चलते हैं अभी यहाँ पे, ये स्टेशन मास्टर यहाँ पर रहते हैं, यही फाटक गिराते हैं और खोलते हैं, तो चलिए चलते हैं आगे। यहाँ से थोड़ी ही दूर पे गंगाघाट बाज़ार है जहाँ पे बांडा उंडा करता है, तो आप लोग को दिखाते हैं वो बाज़ार भी कि कहाँ पर है वो बाज़ार। तो गाइस पूरी तरह से घाटी पार करने के बाद यहाँ पर थोड़ी दूर आने के बाद आप लोगों को दो चार घर देखने के लिए मिलेगा, मतलब एक गांव, ये गंगाघाट के नाम से ही है गांव, यहाँ पर ज़्यादा घर नहीं है दो चार घर ही है, और ये रहा गाइस बाज़ार, यहाँ वही लोग यहाँ पे बाज़ार लगाते हैं और बांडा वगैरह काटते हैं, उन लोग को पोसते हैं पूरा, और इसको खाने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, रांची से लोहरदगा गुमला बोकारो झलदा सब जगह से आते हैं, तो आप लोग भी आ सकते हैं
और ये वाला रास्ता जाता है बूढ़ी बेड़ा बानपुर, और ये सीधा राहे सताकी वाला रोड है गाइस। तो आप लोग बने रहिए, चलिए और आगे क्या क्या मिलता है इस रास्ते पे आप लोग को दिखाते जाएंगे और पूरा दीदी घर तक लेके जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ लोग रोपा रोप के वापस घर की ओर जाते हुए। और गाइस यहाँ पे ग्राउंड है बहुत ही प्यारा है, यहाँ पे हम जब भी आते हैं रुकते हैं, लेकिन आज नहीं रुकेंगे, अभी हम लोग को जल्दी में जाना है ना। ये वाला ग्राउंड सभी लोग अपना अपना काम करके अपना घर की ओर जा रहे हैं। अभी शाम का समय हो गया ना, तो अभी खेती बाड़ी का सीजन चल रहा है गाइस, सबको अपना खेत बाड़ी करके घर जा रहा है। वहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर आने के बाद फिर आप लोगों को एक गांव मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा घर है, कुछ ज़्यादा ही घर है यहाँ पे, और बगल में एक स्कूल भी है, राजकृत उत्क्रमित मध्य विद्यालय। कौन सा जगह है ये? गंगा घाट ही पड़ा रहा ना, बोंगई बेड़ा, इसको बोलते हैं बोंगई बेड़ा। देख सकते हो यार यहाँ का घर को देख के क्या बोले, पूरा मज़ा आ जाता है यहाँ का ऐसा सीन देखे। देख सकते हैं यहाँ पे हाई टू राहे वाला रास्ता है, लेकिन बोर्ड मिट गया है, वो इधर है लाल साहब का आमा बगान, आप लोग इधर के होंगे तो जानते होंगे। देख सकते हैं यहाँ पे बोंगई बेड़ा का लोगो लगा हुआ था, और अभी हम लोग रुक रहे हैं यहाँ पे, दुकान पे रुक रहे हैं थोड़ा सा कुछ लेने के लिए। तो आप लोग ब्लॉग पे लास्ट तक बने रहिए गाइस, और ब्लॉग को लाइक कमेंट कीजिए, कैसा लग रहा जरूर बताइए। हेलो, और गाइस कुछ दूर और आने के बाद आप लोग को एक गांव मिलेगा, इसका नाम है घोड़लत्ता। यहाँ पे देखिए आप लोग पोस्टर भी लगा हुआ था, और ये गांव है वही घोड़लत्ता, देख सकते हैं इधर आप लोग चारों तरफ खेत खलिहान पूरा हरियाल, और उधर भी एक रास्ता जाता है वही सीधा राहे तरफ, इधर हम लोग घुस गए गाँव साइड। अभी दीदी का गाँव जा रहे हैं, उसका गाँव का नाम है गौरबेड़ा। अगर कोई आप लोग इधर से देख रहे होंगे तो कमेंट कर दीजिएगा। इधर का रास्ता बहुत ख़राब है गाइस, इधर यहीं से स्टार्ट हो गया ख़राब रास्ता, आगे पूरा ख़राब है ऐसे ही। देख सकते हैं यहाँ पे घर है, यहाँ पे एरोप्लेन बनाया हुआ है ऊपर, वो जो कि पानी का टंकी है, और यहाँ पे ग्लोब व्लोब बनाया हुआ है भारत माता। यहाँ पे छोटा सा झरना था गाइस, और यहाँ पे आंटी लोग गाय चरा के घर जा रही है। नहीं, यहाँ पे गाइस एक मंदिर है बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा, बजरंग बली जी का। इस गांव का नाम है सिरपा। इधर भी आंटी लोग आ रही है सब रोपा रोप के, बकरी वकरी चढ़ा के। साइड हो रही बाबा, हम लोग रास्ता तो पूरा रास्ता कवर कर लिया है गाइस, ये लोग देख सकते हैं आप लोग। भेड़ आप लोगों को दिखा रहे हैं, देखिए भेड़ और बकरी दोनों मिला हुआ है, भेड़ बकरी जैसा बोलता है ना इसीलिए का। देखिए और इधर का रोड का तो क्या ही बोलेंगे, अगर झारखंड सरकार देखेगा मेरा ब्लॉग को तो इधर का रोड को जल्दी बनाने का कोशिश करेगा, बहुत ख़राब कंडीशन है, और आज से नहीं 10 साल से ऐसे ही। क्या करोगे, गांव घर में ऐसे ही रास्ता होता है ना। काफ़ी दूर चलने के बाद यहाँ पे एक दुकान देखने के लिए मिला था हम लोग को, पार हो गए ना। यहाँ पे ये गाड़ी का गैरेज है, लेकिन अभी बंद है फिलहाल, टेम्प्रोरी क्लोज्ड। ना ले
तो गाइस यहाँ पे मेरा एक दोस्त मिल गए हैं, तो अभी इनसे थोड़ा बातें करते हैं, यहाँ पे रुकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं रेल लाइन कितना खाई के अंदर में है, 20-30 फीट ऊंचा है खाई, उसके अंदर से है ये रेल लाइन। और दीदी घर भी हम लोग पहुँच ही गए हैं, यहाँ से दिखेगा नहीं लेकिन यहीं पे है बगल में आगे इधर गांव में। तो अभी चलेंगे थोड़ी देर में, पहले थोड़ी देर यहाँ पे रुकते हैं, इनसे कुछ बातें करते हैं, फिर चलेंगे। तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग पे लास्ट तक और ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। गाइस तो देख सकते हैं यही वाला वो खाई है जिसके अंदर में रेल लाइन है, देख सकते हैं आप लोग अभी जो बताए थे। और अभी थोड़ा ज़्यादा ही सवेर शाम हो गया ना, तो गाइस अभी हम लोग दीदी का गांव में प्रवेश कर गए हैं। और अभी थोड़ा ज़्यादा शाम हो गया क्योंकि दीदी लोग घर पे कोई नहीं थी, बोल के हम लोग घर तरफ भी नहीं गए थे, हम लोग इधर ही थे रोड साइड में दुकान तरफ बैठे थे, और एक दो दोस्त लोग इधर तो वो लोग के साथ में थे। तो चलिए अभी जाते हैं दीदी के घर और आप लोगों को दीदी के घर भी दिखाते हैं। वैसे पहुँच ही गए हैं, ये दीदी का गाँव, इसका नाम है गौरबेड़ा। ये देख सकते हैं आप लोग आगे जो यही घर है दीदी का, देख सकते इधर से गोरा हमारा मेरा राम है, मेरा बहुत आराम ही है यहाँ पे। तो गाइस यही है ये घर, देखिए इधर और इधर पूरा अंधेरा हो रहा है, आप तो कहाँ दिखे। गाइस तो फाइनली अभी हम लोग घर आ चुके हैं, मम्मी को दीदी घर से वापस अपने घर लेके आ गए हम लोग। और अभी टाइम हो गया लगभग 8, तो जैसे कि आप लोगों को पता है आगे हम दिखाएं आप लोगों को दीदी घर पहुंच गए, और उसके बाद हम थोड़ा शर्मा गए जिसके कारण वहाँ पे ब्लॉग शूट नहीं कर पाए। वहाँ पे भाभी लोग भी आई हुई थी और भी दीदी लोग थी, मौसी की बेटी लोग, तो हम वहाँ पर नहीं बना पाए ब्लॉग, तो इसलिए सीधा घर आके कंटिन्यू कर दिए। और चलिए तो आप लोग ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और मिलते हैं फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।